नेक्स्ट है राम नरेश त्रिपाठी, और इन्होंने भी जबरदस्त काव्य लिखा है। खड़ी बोली हिंदी में प्रकृति चित्रण में द्विवेदी और भारतेंदु काल, अगर दोनों समय को देखा जाए, अरे वाह, दोनों समय को देखा जाए तो एक तो श्रीधर पाठक और राम नरेश, दूसरे राम नरेश त्रिपाठी, ये दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रकृति को इन दोनों लोगों ने जितने करीब से देखा है, जितने नजदीक से देखा है, ठीक वैसी ही छवि इनकी कविताओं में दिखाई देती है। वही सरल, सौम्य, बिल्कुल प्राकृतिक, बिल्कुल इसी प्रकार, ऐसे लगता है जैसे स्फटिक रूप में हम प्रकृति को देख रहे हैं। प्रकृति को खुद चित्रित भाषा में नहीं, बल्कि खुद अपनी आंखों से प्रकृति को देख रहे हैं। इस प्रकार का काव्य जो है वो इन दोनों लोगों ने लिखा है। रीजन ये रहा है, ये दोनों घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग थे। ये दोनों का मतलब श्रीधर पाठक से हैं और राम नरेश त्रिपाठी से। श्रीधर पाठक अपने ऑफिस के कामकाज की वजह से, जब वो जनगणना अधिकारी के तौर पे नियुक्त होते हैं, तो उनको पूरे भारत का भ्रमण करने का अवसर मिलता है, और इसी दौरान वो पहाड़ी प्रदेशों की यात्रा करते हैं और वो जो है कविता के प्रति पूरी तरीके से आसक्त हो जाते हैं। जो वो देखते हैं, जो वो अनुभव करते हैं, उसको अपनी कविता में लिखते हैं, और ज्यादातर उनका प्रकृति चित्रण बेहद प्रभावशाली चित्रित हुआ। त्रिपाठी जी भी लोक गीतों का संकलन करना चाहते थे, लोक संस्कृति को जानना चाहते थे, बहुत करीब से हर एक चीज को जो है लोक संस्कृति की, गांव की संस्कृति को वो बिल्कुल अपने आसपास से देखना चाहते थे, और इसी वजह से वो भटकते रहे, गांव की यात्राएं की, और उनका एक बेहद ही शानदार कलेक्शन जो है इन यात्राओं के कारण सामने आता है। उसके बारे में भी आगे चल करके हम बात करने वाले हैं। 4 मार्च 1889, कोइरीपुर जौनपुर उत्तर प्रदेश का जिला है, यहाँ इनका जन्म हुआ। 16 जनवरी 1962 प्रयाग में इन्होंने अंतिम सांस ली। प्राक छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, मतलब छायावाद से पूर्व का जो युग है, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी और आपके लोचन प्रसाद, ये ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने छायावाद को एक भूमिका दी, छायावादी कविताओं को एक एक स्लॉप दिया। प्राक छायावादी युग के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। छायावाद के तुरंत पहले का जो काव्य है, उस काव्य को बड़ी सुंदरता के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करते। वो ये मानते थे कि मेरे साथ गांधी जी का प्रेम लरिकाई का प्रेम है, लरिकाई को प्रेम गांधी से, ऐसा मानते थे। लरिकाई का मतलब क्या? बचपन से। वो अलहटता है, जो बचपन की अलहटता होती है, वो अलहटता मेरे और गांधी जी के व्यक्तित्व में दिखाई देती है, और हम दोनों के बीच जो प्रेम है वो बचपन बचपन वाला प्रेम है। मेरी पूरी मनोभूमिका को सत्याग्रह युग ने निर्मित किया है। मैं जो कुछ लड़कपन, बिल्कुल, मैं जो कुछ भी सोचता हूं, जो कुछ भी अपनी कविताओं के माध्यम से रखता हूं, मेरी ये जो मनस्थिति है, इस मनस्थिति को बनाने का पूरा श्रेय सत्याग्रह युग को जाता है, मतलब कि गांधीवादी युग को जाता है। उन्होंने एक एकांकी लिखा जिसका नाम उन्होंने दिया बा और बापू, ये उनके द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला एकांकी नाटक था, उनके द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया पहला एकांकी नाटक था बा और बापू। गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, कहने की बात यह है। तो दो चीजें याद रखना, एक उनका एकांकी बा और बापू, और दूसरा गांधी जी से वो ये मानते थे कि उनका बचपन का प्रेम है, और उन्होंने अपनी जो मनोवृत्तियां काव्य में प्रस्तुत हुई है या रचनाओं में सामने आती हैं, उस मनोभूमिका को तैयार करने के पीछे सबसे बड़ी जो चीज काम कर रही है वो गांधी जी का सत्याग्रह और उनका सत्याग्रह युग है। गांव में भटकते रहे, कई गांवों की कई सालों तक यात्राएं की, दिन रात जागते, एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करते, वहां पर जो भी कार्यक्रम होते, भारतीय समाज में जो 16 संस्कार में अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं, विशेष करके ये
मंगल के कार्यक्रमों को ज्यादा महत्व देते थे, विवाह, नामकरण, सगाई इत्यादि की रस्मों वाले जो कार्यक्रम थे, इन कार्यक्रमों को अटेंड करते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, उनमें कुछ अंतर पाते थे, वहां पर कैसे लोग जो है गीतों को गाते हैं, कैसे अलग अलग माध्यम से उस उत्सव को मनाते हैं, उस उत्सव को मनाने के दौरान उनका क्या काव्यात्मक अंदाज होता है, उस लोक भाषा को नजदीक से जानना, उस लोक संस्कृति को नजदीक से जानना, और वहां से उनको जो भी मिलता उसे वो संग्रहित करते जाते, और ऐसे करके धीरे धीरे करके एक बहुत विस्तृत और व्यापक लोक गीतों का संकलन है ना, जिसको आप लोकगीत कह सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ग्रामीण गीत है पूरी तरीके से। लोकगीत किसी एक क्षेत्र विशेष से, किसी एक अंचल विशेष से होते हैं। इन्होंने जो संकलन किया वो काफी विस्तृत क्षेत्र का है, और इस वजह से उनके इन गीतों के संकलन को ग्राम गीतों का संकलन कहा जाता है, और इसे संकलित करने वाले वो पहले कवि हैं, और इसको उन्होंने कविता कौमुदी नाम से प्रकाशित करवाया। इस नाम से कविता कौमुदी नाम से प्रकाशित करवाया, क्योंकि इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इनके द्वारा एक खंड काव्य लिखा गया स्वप्न, जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, इस पर हिंदुस्तानी अकादमी का पुरस्कार भी मिला उन्हें। त्रिपाठी जी ने एक बहुत ही बेमिसाल रचना लिखी, एक बेमिसाल कविता लिखी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, जो आज भी कई स्कूलों में प्रार्थना के तौर पे गाई जाती है। इसकी रचना भी राम नरेश त्रिपाठी ने की थी। भाषा की सादगी देखिए, इस रचना को हम प्रसाद गुण में पढ़ते हैं, प्रसाद गुण में उस रचना को पढ़ा जाता है, करेक्ट, उस रचना को पढ़ा जाता है जो रचना सुनते ही समझ में आए। इस प्रकार के काव्यात्मक तेवर थे राम नरेश त्रिपाठी के, इस प्रकार के अप्रोच थे। जैसे गांधी जी के व्यक्तित्व का इन पर प्रभाव था, ठीक वैसे ही राम नरेश त्रिपाठी पर तुलसीदास का भी प्रभाव था। तुलसीदास जी के व्यक्तित्व और उनके द्वारा लिखी रामचरितमानस का गहरा प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर देखा जा सकता है, और वो चाहते थे कि मानस की जो कल्पना है, मानस का जो समाज है, जो उत्तरकांड में तुलसीदास जिस समाज का वर्णन करते हैं और जिन बुराइयों से बचने की बात करते हैं, उस हर एक बात का व्याख्यान प्रत्येक भारतीय परिवार में पहुंचे, ऐसा वो चाहते थे, ऐसा उनका सोचना था। इसलिए वो जहां कहीं भी किसी गांव में यात्रा करते, वहां पर वो उत्तरकांड की पंक्तियां जरूर पढ़ते, और लोगों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भगवान राम का जो व्यवहार था वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मर्यादित, सबसे ज्यादा संयमित व्यवहार था। अगर हम मानस के चरित्रों को ध्यान में रखकर जीवन यापन करें, तो किसी भी प्रकार की समस्या हो, उस समस्या को हम बड़ी आसानी से पार कर सकते, चाहे वो कोई व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे वो कोई सामाजिक समस्या हो, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो। इनका मानना था कि हर समस्या का समाधान मानस में लिखा हुआ है, दिया हुआ है। तो जरूर कहीं किसी गांव की यात्रा पर होते, मानस का जरूर जिक्र करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को कहते हैं कि ये रचना ऐसी है, हर प्रश्न का उत्तर आपको इस रचना में मिल जाएगा। और इसी वजह से बेढब बनारसी ने उनके बारे में लिखा है, तुम तोप और मैं लाठी, तुम रामचरितमानस निर्मल, मैं राम नरेश त्रिपाठी। मतलब रामचरितमानस और त्रिपाठी जी का जो संयोग है वो तो कुछ इस तरीके का, तोप और लाठी वाला। कविता कौमुदी का क्या लिखा है? गांधी जी को भेंट की थी। ओके, करेक्ट, इस चीज को ऐड कर लीजिएगा। देखिए गांधी जी का बहुत ज्यादा प्रभाव था,
और ऐसा नहीं कि रामदास त्रिपाठी पर ही था, उस समय में जो लोग लिख रहे थे जैसे महादेवी वर्मा को लीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान को लीजिए। महादेवी वर्मा का तो एक एक जगह वो अपने किसी जगह पर उल्लेख करते हैं, करते हुए कहती हैं, जब हॉस्टल के दिनों की बात करती तो कहती है, एक बार कविता पढ़ने के लिए मैं गई थी तो मुझे एक चांदी का कटोरा मिला था इनाम में, और मैंने सोचा कि मैं ये कटोरा जो है उसमें खीर बना के खाऊंगी, लेकिन वो कहती मुझे उतनी अच्छी खीर बनानी नहीं आती थी, तो मैं इंतजार कर रही थी कि सुभद्रा जो उनकी सीनियर थी हॉस्टल में, सुभद्रा कुमारी चौहान जो उनसे सीनियर कवि भी रही है और पढ़ाई में भी वो सीनियर थी उस हॉस्टल में, तो सुभद्रा किसी दिन जब बनाएगी तो मैं जरूर इस कटोरे में खीर लेके खाऊंगी, ऐसे ही ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन इस दौरान उनके वहां पर गांधी जी आते हैं तो गांधी जी को दिखाती है कि देखो बापू मुझे कविता करने पे ये कटोरा मिला, तो गांधी जी ने उनको कहा कि बहुत अच्छा मिला कटोरा, लेकिन अब ये कटोरा मुझे दे दो और इस कटोरे से जो भी पैसा जो भी धन मुझे प्राप्त होगा उसको मैं आंदोलन के लिए लगाऊंगा, देश सेवा में लगाऊंगा, तो मन महसूस कर उनको वो कटोरा उनको देना पड़ा, ऐसा वो उल्लेख करती है एक जगह पर। बहुत सारे लोगों पर गांधी जी का प्रभाव असंख्य लोगों पर है, और विशेष करके साहित्य समाज पर तो स्पष्ट रूप से प्रभाव देखा जा सकता है। चलिए तो याद रखिएगा, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। वैसे उस समय प्रसाद गुण जब बताया था इसमें तब भी बताया था कि रामदास त्रिपाठी की पंक्तियां हैं और अमर पंक्तियां हैं ये। तुलसीदास जी और गांधी जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से इनके व्यक्तित्व पर देखा जा सकता है। ज्यादातर इन्होंने जो है राष्ट्र प्रेम और प्रकृति प्रेम की रचनाएं लिखी है। स्वप्न पर इनको हिंदुस्तानी अकादमी का पुरस्कार मिला है। इनका जो गांव गीतों का संकलन है, ग्रामीण गीतों का संकलन जो है, ग्राम गीतों का पहला बड़ा संकलन, ऐसा संकलन किसी भी भारतीय भाषा में नहीं मौजूद है, खड़ी बोली हिंदी में ही मौजूद है वो, उसको उन्होंने कविता कौमुदी के नाम से प्रकाशित किया। ये इंपॉर्टेंट चीजें। आगे देखिए इनकी रचनाएं। 1920 में 21 दिनों में हिंदी के प्रथम और सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय खंड काव्य, ध्यान रखना पथिक काव्य संग्रह जो है वो राष्ट्रीयता को केंद्र में रख करके लिखा गया है, और मात्र 21 दिनों में लिखा है उसको। 1920 में 21वें दिन उन्होंने इस रचना को पूरा किया। कविता कौमुदी के सात विशाल संग्रह, सात बड़े बड़े संग्रह है, और ऐसे संग्रह किसी भी भारतीय भाषा में मौजूद नहीं होंगे। ग्रामीण गीतों के इस प्रकार के संकलन किसी भाषा में शायद ही देखने को मिलेंगे, जो उन्होंने अथक परिश्रम के बाद, लंबी लंबी यात्राएं करने के बाद तैयार किए, वो सात हिस्सों में प्रकाशित हुए। चार काव्य कृतियां इनकी मुख्य रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें एक है मिलन। देखिए इनका इनका रचना काल कविता कौमुदी के सात भाग, मेरी नजर में सात भाग है, और मैंने ये पढ़ा है सचन सिंह से शायद, फिर भी इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जहां तक मेरी नजर में सात ही भाग है, मिलन ये 17-18 में प्रकाशित हुई, 1917-18, यहां सिर्फ 18 लिखा है, 1917-18 है। 13 दिनों में ही इसकी रचना की गई थी। पथिक 1920 में 21 दिनों में ये रचना तैयार हुई। मानसी 1927 में, और स्वप्न 1929 में, और मात्र 15 दिनों में, यानी कि एक पखवाड़े में इसे रचा गया। ये महत्वपूर्ण चार कृतियां हैं, और इसके अलावा कविता कौमुदी जैसा विशाल संकलन है ग्रामीण गीतों का, ये रचनाएं जो है आपको विशेष तौर से याद रखनी। ध्यान रखिएगा ये 1917-18, मतलब 17 मान के चलिए इसको, 17 ही। और इनका सीक्वेंस याद रखना, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न।
मिलन हुआ पथिक का मानसी से स्वप्न में, इस तरीके से याद रखिएगा। और तब जाकर के उन्होंने कविता कौमुदी लिखी, मिलन हुआ पथिक का मानसी से स्वप्न में, तब जाके कविता कौमुदी लिखी, तरीके से याद रखिएगा। 17, 20, 27, 29 ऐसा कम याद रखना, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ रचनाकार है, जैसे कामता प्रसाद गुरु का नाम आता है, जो विशेष रूप से हिंदी के व्याकरण लिखने के लिए जाने जाते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने, इनको एक नए पेज पे बात कर लेते हैं इनके बारे में। कामता प्रसाद गुरु की इनको उपाधि दी गई थी, ठीक है। और इनको हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है, आधुनिक हिंदी भाषा का पाणिनि, क्योंकि इन्होंने बड़े व्यवस्थित तरीके से हिंदी का व्याकरण लिखा, हिंदी व्याकरण नाम से, ठीक है। और इन्होंने कुछ काव्य संग्रह भी लिखे, कुछ ब्रज भाषा में है तो कुछ खड़ी बोली में है। ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा, दिख रहा है ना स्क्रीन पर, विनय पचासा। और भौमासुर का वध, और खड़ी बोली में लिखी पद्म पुष्पांजलि। पद्म पुष्पांजलि मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, सागर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। एक और रचना लिखी थी, विनय पचासा, भौमासुर वध हो गया, और एक लिखी थी त्रिशूल तरंग। ठीक है, करुणा कादम्बिनी भी है। ठीक खड़ी बोली में पद्म पुष्पांजलि, सॉरी पद्य पुष्पांजलि। इनकी जो प्रसिद्धि का मूल आधार है वो है हिंदी व्याकरण लिखना। एक और रचनाकार थे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, उन्नाव से हैं, और इन्होंने भी राष्ट्रीय चेतना से युक्त रचनाएं लिखी है। और ये त्रिशूल तरंग जो है ना, और करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बिनी गया प्रसाद की रचनाएं हैं। मैं सोच रहा हूँ कंफ्यूज कहाँ हो रहा है। त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बिनी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाएं हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय वीणा, कृषक कंदन और प्रेम पचीसी, ये भी स्नेही जी की रचनाएं हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जब राष्ट्रीय भावना की कविताएं लिखते थे तो एक उपनाम इस्तेमाल करते थे, जो इस रचना में किया है त्रिशूल, तभी मुझे याद आया कि ये तो इनकी नहीं है। त्रिशूल उपनाम से रचनाएं लिखा करते थे, और कब लिखते थे, जब वो राष्ट्रीय विचारधारा से युक्त कविताएं लिखते थे। क्लियर? एक चीज कंफर्म करनी है, वो ये कि जो ग्राम गीतों का संकलन है उसके 8 भाग है कि 7 भाग है, ठीक है, ये चीज कंफर्म करेंगे। उसकी भाषा को विशेष तौर से ध्यान रखना, उसकी कोई एक भाषा नहीं है। वो जो ग्राम गीत उसमें संकलित किए गए हैं, उसमें उर्दू भी है, बांग्ला भी है, संस्कृत की शब्दावली भी है, खड़ी बोली की शब्दावली भी है, सब प्रकार के शब्दावली स्थान बनाती है। सर, कविता कौमुदी के संबंध में मतलब कहा जाता है कि जो गांव गांव घूमकर वो जो जैसे जो सोहर और विवाह गीत होते हैं ना शादी में, तो वो सुन सुनकर वो उन्होंने लिखे हैं उस समय में, मतलब गांव गांव घूमकर। यही यही तो मैंने कहा था,
हाँ जी यही बात तो मैंने बताई। उन्होंने 16 संस्कारों को ध्यान में रख करके इन उत्सवों को लोग मनाते कैसे, उत्सवों में काव्यात्मक अंदाज कैसा है लोगों का, ये ढूंढने की कोशिश की, और ज्यादातर उन उत्सवों को तवज्जो दी जो मंगल के उत्सव थे। और मंगल के उत्सव का मतलब क्या, शादी विवाह, सगाई इत्यादि है, किसी का नामकरण है, उपनयन संस्कार है, इस प्रकार के जो संस्कार होते हैं उनको महत्व दिया। क्लियर? त्रिशूल उपनाम से कौन लिखते थे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, त्रिशूल तरंग, करुणा कादंबिनी, ये स्नेही जी की रचनाएं ही है। और त्रिशूल उपनाम का प्रयोग कब करते हैं, वो जब वो राष्ट्रीयता से युक्त कोई कविताएं लिखते हैं, राष्ट्रीय भावना वाली जो कविताएं हैं उसके लिए वो त्रिशूल उपनाम का प्रयोग करते हैं। श्रृंगारिक कविताएं वो स्नेही के उपनाम से लिखते हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही देखेंगे, कई जगह पर त्रिशूल देखेंगे। क्लियर? चलिए एंड करें। ये एक और रह गई एक पंक्ति, वो ये कि मान ये मिलन, पथिक और स्वप्न, ये जो जिनके आगे दिन लिखे हुए ना, ये तीनों ही खंड काव्य हैं। और मानसी उनकी फुटकर कविताओं का संकलन है, चीज को भी नोट कर लीजिए। मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संकलन है, मिलन, पथिक, स्वप्न, ये तीनों खंड काव्य हैं। और पथिक की मूल भावना जो है वो राष्ट्रीयता है, राष्ट्र प्रेम को केंद्र में रख करके इन्होंने ये रचना लिखी है। मुक्तकों के रूप में मारवाड़ी मनोरंजन, जैसे आप में से अगर कोई मारवाड़ी है तो शाम में जब हथाई होती है, औरतें, बच्चे, बूढ़े इत्यादि बैठ के आपस में बातचीत करते हैं, क्योंकि संयुक्त परिवारों की परंपरा रही है, तो उस समय वो लोग जो है ना, जैसे खुसरो की पहेलियां हैं, वैसे ही मारवाड़ में आड़ियां बोली जाती है, एक तरीके की पजल होती है, पहेलियां ही होती है, उन पहेलियों को बूझना होता है, कोई ना कोई अर्थ निकलता है एक शब्द में। ऐसी मनोरंजन की बहुत सारी युक्तियां जो मारवाड़ी परिवारों में प्रयोग में ले ली जाती थी, उनका संकलन भी इन्होंने किया मारवाड़ी मनोरंजन के नाम से। आर्य संगीत शतक, कविता कविता विनोद, और क्या होमरू लोगे, ये इनके मुक्तकों के संग्रह है। हम रोल लोगे थोड़ा सा व्यंग्यात्मकता वाला, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को केंद्र में रख करके लिखा गया है।